हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी। देखिए, ये यूपीएससी के लिए मेंस और प्री दोनों के लिए एक टॉपिक है, डोनर मिनिस्ट्री। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी मैं कई वीडियोस डाल चुकी हूँ, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उनको भी देखिएगा। रोज़ आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो GS-1, GS-2, GS-3, GS-4 से किसी भी GS से हो सकता है। तो ये एक प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ एक मेंस की प्रिपरेशन का भी हम टारगेट लेते हुए चलते हैं, और डेली करंट अफेयर में एक जो बर्निंग इश्यू है उनको लेते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है डोनर मिनिस्ट्री। देखिए, डोनर मिनिस्ट्री ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें देखते हैं हम ये कौन कौन GS-1 में, GS-2 में, GS-3 में कैसे कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, GS-1 में ये सोशल एम्पावरमेंट्स को लेकर पूछ सकते हैं, GS-2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर पूछ सकते हैं, GS-3 में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूछ सकते हैं। तो ये तीनों का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसे अच्छे से कर लीजिए, देखिएगा कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा प्री या मेंस दोनों में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हाट इज डोनर मिनिस्ट्री? डोनर मिनिस्ट्री, देखिए, डोनर मिनिस्ट्री एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है एक मिनिस्ट्री जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए ये जो डोनर मिनिस्ट्री है ना, ये नॉर्थ ईस्ट के चारों तरफ घूमती है। तो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए जो मिनिस्ट्री बनाई गई उसे हम डोनर मिनिस्ट्री कहते हैं, इन शॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे लिखना है, कैसी हमारी अप्रोच होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉर द डिकेड्स हैज सीन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड कनेक्टिविटी विच हैज आस्क्ड एट द रोड ब्लॉक फॉर द सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फॉर द 8 states। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है जो डेवलप होना चाहिए हमारे जो आज का सिनेरियो उसके हिसाब से, बहुत डेवलप होना चाहिए। तो आखिर ये डेवलप क्यों नहीं है, इसके लिए डोनर मिनिस्ट्री बनाई गई है, इसको डेवलप करने के लिए, अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, किस ये डोनर मिनिस्ट्री क्या क्या काम करेगी। पहले तो इंकरेज फॉर द एंटरप्रेनर, जहाँ जॉब्स अच्छी होंगी, लोगों की एजुकेशन अच्छी होगी तो डेवलपमेंट खुद ब खुद होता चला जाएगा। रीज़न फॉर द लेस डेवलपमेंट क्या क्या है, देखिए, इंसर्जेंसी इन मिजोरम 1966 to 1986, इंसर्जेंसी नागा में जो इंसर्जेंसी थी, प्री इंडिपेंडेंस डेज ओनली 1970, दीज आर द सम सीज फायर एज वॉज द लैक पीस ऑफ द नॉट मच डेवलपमेंट ऑफ द कुड हैपन। देखिए, नागा में जो थोड़ा बहुत सीज फायर हुआ, थोड़ी बहुत शांति हुई 1970 में हुई, उसके बाद से तो ढंग से आपको पता ही है नागालैंड में जो केसेस चलते रहते हैं, उसके बाद से डेवलपमेंट होना तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब तक शांति नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट हो कैसे सकता है। नेक्स्ट है असम। असम ऑल्सो हैज़ द लॉट्स ऑफ इंसर्जेंसी, हमें पता है उल्फा के बारे में। एक मणिपुर ऐसा स्टेट है जहाँ पर थोड़ी सी शांति बरकरार है इतनी सारी इंसर्जेंसीज के बावजूद भी। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर मैटर क्या है, कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, आखिर क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इस सब के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो डोनर मिनिस्ट्री वो है क्या, उसके काम क्या क्या है और वो कैसे कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, डोनर मिनिस्ट्री का जो फुल फॉर्म है वो है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ये इसका काम क्या किया, देखो, ये एक प्लानिंग कमीशन की तरह काम करेगी। प्लानिंग कमीशन की तरह, जैसे हमारी प्लानिंग कमीशन ऑल ओवर इंडिया में काम करती है, ऐसी ही प्लानिंग कमीशन ये जो डोनर मिनिस्ट्री है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करेगी, ठीक है। एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज जो बना हुआ है, एक उस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग सब बिल्कुल अब नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडिया से अपने आप को कट ऑफ समझते हैं, वो देखने में कुछ चाइनीज़ लगते हैं, तो इसलिए उनका इन्फ्लुएंस चाइना की तरफ ज़्यादा रहता है। इन सबको फुलफ़िल करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फॉर एनी, देखिए इस इसका डॉलर मिस्टेक और का और क्या क्या काम है, इट्स ये गैप है एक, और फिर डेवलपमेंट इंडस्ट्री फॉर द आईटी पावर नेसेसरी नो पावर इंडस्ट्रीज। देखिए डॉलर मिस्टेक का काम क्या है कि ये यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या आईटी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन आईटी जो कंपनीज हैं उनको लाना है पावर, जो पावर, अगर पावर नहीं होगी तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इंटायर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स लानी है इनके लिए पावर ट्रांसमिशन के लिए। देखिए अभी क्या क्या स्कीम्स चल रही है, 2540 किलोमीटर की जो ट्रांसमिटेड लाइन है वो अभी तक बिछाई जा चुकी है, पर फिर भी देखिए ये इतना कोई खास नहीं है कि आपने 2540 किलोमीटर की लाइन बिछा दी और बोलने कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मेजर प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। हमें उन मेजर प्रोजेक्ट पर भी ध्यान देना है। इन मेजर प्रोजेक्ट के लिए 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया तो है, बट अभी तक इनका कुछ पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। और 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है, तो इतना लमसम अमाउंट प्रपोज्ड होने के बावजूद भी अभी तक वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है और अभी तक डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाया। तो इस सब का जायजा लेने के लिए भी डोनर मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की गई है। उसके बाद देखते हैं, लास्ट ईयर के 1100 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए गए थे, बट उनका अभी भी चल रहा है कि बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, सब कुछ देखना, ये सब कुछ काम डोनर मिनिस्ट्री का है। रोड डेवलपमेंट फॉर द रिहैबिलिटेशन अपग्रेडेशन एंड द निगलेक्टेड स्टेट, उसमें जितनी भी निगलेक्टेड स्टेट हैं वहाँ पर रोड डेवलपमेंट होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उनको उनका पुनर्निवास होना चाहिए, कि अगर जहाँ पर रोड बन रही हैं या जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, घर नहीं है, खाने के लिए जो अच्छे से फूड प्रोवाइड नहीं है, वो सब के लिए वहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा देने, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ है तो वो है टूरिज्म। टूरिज्म को जितना बढ़ावा दिया जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। देखिए सबसे पहले पेट्रोल जो खोजा गया था वो असम के डिगबोई में खोजा गया था, तो वहाँ पर और भी मिनरल्स की भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको भी हमें ध्यान में लेते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद एक कल्चरल हेरिटेज है, स्पिरिचुअल हेरिटेज जो मणिपुर में है, टूरिज्म है सिक्किम में और नागालैंड में, ट्राइबल ट्राइबल जो है उसको लेते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट इम्पोर्टेंट इन नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का इम्पोर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का इम्पोर्टेंट आप सभी को पता है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। पहले तो नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी में ही है नॉर्थ ईस्ट का इम्पोर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ी जो हम कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन शेयर करती है बिटवीन चाइना और बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, तो इन सब से जो आते हैं हमारे रिफ्यूजीज उनसे बचाने के लिए, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी हो वो ना खराब हो, उन सब के लिए ये नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाइना तो कुछ ना कुछ हरकतें करता ही रहता है। नेक्स्ट है कि कनेक्टिविटी बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड एशियन कंट्री, जो एशियन कंट्रीज है ना उनके बीच में कनेक्टिविटी के लिए, अगर जैसे कि जैसे चाइना वन रोड, वन चाइना वन रोड बना रहा है, ऐसे इंडिया भी अगर चाहे तो उसके लिए भी एशियन कंट्री में, तो उसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे कल्चरल उसमें देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के इम्पोर्टेंट मिनरल कल्चरल हर चीज़ में है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आती है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ये एक नोडल एजेंसी है जो क्या करती है कि जो डोनर मिनिस्ट्री है उसमें इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, कि जो डोनर मिनिस्ट्री जो इम्प्लीमेंट करती है उसको मॉनिटर करने का काम करती है, सेंशन करने का काम करती है। इसलिए अगर आप इसको भी मेंशन करेंगे अपने राइटिंग स्किल में तो ये भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लिखिए, उसमें आप देखिए कि आपको क्या बेटर मिल रहा है और उस हिसाब से आप कंक्लूजन लिखिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।